अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ की नियत, सवाल है क्या नियत करने के लिए अरबी दुआ की जरूरत होती है? अगर नहीं तो फिर इस दुआ की क्या हकीकत है? नवी तो सुन्नतल एतिकाफ। इसका जवाब यह कि वाज़े रहे कि नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से मखसूस अल्फाज के साथ नमाज, रोजा, जक़ात वगैरह की नियत करना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना ही सुन्नत है। लिहाजा दिल में इरादा कर लेना ही नियत के लिए काफी है। और अगर कोई जुबान से वो अल्फाज अदा करता है, जुबानी नियत कर लेता है, तो इसमें कोई हरज भी नहीं है। हाँ, जिस शख्स का दिली इरादा अल्फाज कहे बगैर मुजतमे न होता हो, तो उसके लिए अल्फाज से नियत करना यह मुस्तहब है। हर अमल की नियत का यही हुक्म है, लिहाजा एतिकाब की नियत का भी यही हुक्म है। ये जो मजकूरा अल्फाज हैं, इनका कहना यह भी जायज है, और इसको सुन्नत न समझे, उनको जरूरी न समझे। और अगर इनको इन अल्फाजों को अदा करता है तो वो अदा कर सकता है। नियत तो असल में दिल का इरादे का नाम है। दिल में ये इरादा किया मैं एहतिकाब में बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो यही ये नियत तो उसके लिए काफी है। अगर ये अल्फाज अदा करता है, सुन्नत वाजिब नहीं समझता है, जरूरी नहीं समझता है, तो इनका अदा करना भी दुरुस्त है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक।